बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार यानी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म OMG 2 को लेकर काफ़ी सुर्खियाँ बटोर रहे। उनकी इस फिल्म को दर्शकों को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं इस फिल्म की कमाई की बात करें तो इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 14.5 करोड़ का कारोबार किया है, जिसके साथ ही फिल्म की टोटल कमाई 24 करोड़ रुपये हो गई है। अक्षय कुमार, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी स्टार इस फिल्म को जहां दर्शक इतना पसंद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड से यह सर्टिफिकेट दिया गया है, जिसे लेकर अभिनेता ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। हाल ही में अक्षय सिने प्रेमियों के साथ OMG 2 देखने के लिए मुंबई के एक थिएटर पहुँचे। फिल्म के बाद उन्होंने फिल्म को यह सर्टिफिकेट मिलने पर निराशा जताई। स्क्रीनिंग के बाद उन्होंने दर्शकों से बात की और जब लोगों ने उनको और फिल्म के लिए उत्साह बढ़ाया तो अभिनेता ने CBFC पर व्यंग्यात्मक कटाक्ष किया और कहा, कमाल की बात बताओ, पहले एडल्ट फिल्म है जो किशोरों के लिए बनी है। इसके साथ एक्टर ने फिल्म देखने के लिए दर्शकों को धन्यवाद भी दिया। थिएटर का यह वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया है। साथ ही में कैप्शन लिखा है, अक्की के लिए खुशी है कि OMG 2 सफल होने जा रहा है, लेकिन हम उसकी आवाज़ से बता सकते हैं कि वह बेहद शानदार है। अनुचित एयर रेटिंग के बारे में दुखी हो, अगर इस फिल्म को यू रेटिंग दी गई होती तो और भी अधिक कमाई कर लेती। बता दें कि OMG 2 उमेश शुक्ला के निर्देशक में बनी फिल्म ओ माई गॉड का सीक्वल है। OMG 2 निर्देशक अमित राय के निर्देशन में बनी है। इस फिल्म में अक्षय के अलावा यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी, पवन राज मल्होत्रा, गोविंद नामदेव, आरुष वर्मा, अरुण गोविंद और दुजैद काला भी मुख्य भूमिका में है।